বলাই কেমন আছেন? ভালো আছি দাদা, আপনি কেমন আছেন? আপনি ভি ভালো আছেন? ভালো। भाई आज धड़ाधड़ इतने लोग आते जा रहे हैं, ये जूम को है ना वो क्रैश नहीं कर जाएगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी कहाँ है सर? अभी 15 लोग तो आए ही हैं, अभी 45 लोग आएंगे। गुड मॉर्निंग मैडम। कैसे हैं सब? बढ़िया मैम, सब ठीक है। आप ठीक? अरे मैं ममता बोल रही हूं स्पीकिंग। वी रिक्वेस्ट यू इफ यू वुड लाइक टू, यू कैन जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट एवरीबॉडी कैन सी यू एंड वी कैन इंटरैक्ट एज एंड हाउ इट गोस। श्योर। राइट, विनीता इज आल्सो देयर? यस, माय कॉलीग विनीता इज आल्सो देयर। यस, या हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल प्रीति, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ग्रेट टू हैव यू हियर। थैंक्स फॉर हैविंग अस। राइट, I'm just going on mute for a minute, sir. It's over to you now. All right. So, कैसे हैं सब साथी लोग? हमारे काम चल रहा है आप लोगों का या नहीं चल रहा है? मतलब क्या ऑक्यूपेंसी कैसी है? कुछ कर पा रहे हैं? कैसे व्यस्त रह रहे हैं? मैं ये जानना चाहूंगा, कुछ दो चार लोग अगर बताना चाहें तो। हेलो हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी या, या। जी सर, मैं चाह रहा था कि कुछ लोग जो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि सबका मैंने वो ले लिया, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड आपकी टीम में है, मैं वो उनसे चाहूंगा कि वो थोड़ा सा शेयर करें कि आजकल आप लोगों के व्यस्त रहने के क्या क्या रीजंस हैं, क्या तो कैसे? कुलदीप कुछ बोलेंगे एंड सभी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, सभी इम्पैक्ट के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं जी। हमारे साथ शुभांगी मैम भी हैं, संदीप सर भी हैं। वेटरन्स की बात नहीं हो रही है अभी? अगर कुलदीप या और साथी कुछ शेयर करें कि क्या किस तरह से व्यस्त रह रहे हैं आजकल। जी सर, नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप है और मैं राजसमंद में एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर अभी इम्पैक्ट के लर्निंग सेंटर्स को देखता हूँ जी। तो सर अभी लॉकडाउन के दौरान, जब से कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ है, तो हमारे सेंटर्स जो चलते थे जहाँ पे लड़कियों को हम एजुकेट करते थे, वो अभी नहीं हो पा रहा है सर जी। तो हम लोग सर, हमारे जैसे टीचर्स ट्रेनिंग जो है, हम लोगों ने ब्लेंडेड टीचर्स ट्रेनिंग अप्रोच अपनाई, जिसमें हम लोगों उनको कुछ मटेरियल, जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उनको कुछ मटेरियल हम लोगों ने कोरोना पे, जैसे कि अभी फर्स्ट ट्रेनिंग हमने की है वो डेवलप किया है, और वो सारा मटेरियल उनको हमने भेजा है। उस ओवर द कॉल हमने उनका प्री एंड पोस्ट भी लिया है और उसी तरीके से पूरा उनको ट्रेनिंग भी हमने दिया है सर। तो अभी एक चीज भी है सर। राइट, मतलब आपका कहना है कि ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग एक चल रही है सर, एक हमारा सर्वे भी चल रहा है सर। हम लोग जो सिचुएशन एनालिसिस कर रहे हैं कि ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरीके की अवेयरनेस है लोगों को, लोगों के पास में लोग किस तरीके से, क्या जरूरतें हैं लोगों की, वो पूरा एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं सर। वो भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ओवर द टेलीफोन ही चल रहा है सर। कम्युनिटी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं हमारे टीचर्स जी, तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको ऑनलाइन सारा सबमिट कर रहे हैं सर, इस तरीके से। अच्छा, तो बच्चों तक पहुंचने का किसी किस्म का प्रयत्न किया जा रहा है? बच्चों तक पहुंचने में सर अभी तो हाँ, कुलदीप के साथ और भी कोई शेयर करना चाहेगा तो प्लीज करिएगा इस पॉइंट पे जी। जैसे बच्चों तक अभी हमारे पहुंच नहीं बन पा रही है सर, क्योंकि बाहर निकलना और काफी मुश्किल हो रहा है टीचर्स के लिए सर। कोई शेयर करना चाहेगा जो बच्चों तक कुछ किसी भी माध्यम से किसी भी तरह से पहुंच पाया हो?
हिमांशु हेलो जी हिमांशु संदीप हियर सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा था आप पूछ रहे जो इम्पैक्ट से डायरेक्टली बच्चों के संपर्क में आ चुका राइट जी 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 इम्पैक्ट की ही लेंस से देख रहे हैं हम ठीक 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 जी जी वैसे तो मैं भी पड़ोस में जो से इंटरेक्ट कर ही रहा हूँ नहीं नहीं मेरा मतलब माध्यम था कि जो टीचर्स के थ्रू हो रहा है जी 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 टीचर्स के थ्रू मोबाइल के थ्रू एसएमएस के थ्रू देखिए ये समय ने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं कि हम कैसे ना यू नो जिस तरह से इस तरह के माहौल में हम कैसे पहुंच सकते हैं उस लास्ट माइल चाइल्ड तक तो उसमें तरह तरह के मॉडल्स डेवलप किए जा रहे हैं बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं इसमें तो मैं ये जानना चाह रहा था बेसिकली मेरा पर्पस था कि व्यस्त अगर हैं ट्रेनिंग के अलावा भी कुछ हो रहा है बच्चों के लिए या नहीं क्योंकि क्योंकि हम काफी बच्चों तक पहुंचते हैं इम्पैक्ट के माध्यम से सही है तो प्रीति अपने अब हम कितने बच्चों तक पहुंचते हैं तकरीबन आज सॉरी एनीवन कैन आंसर या जी मैं बोलना चाहूंगा जी ओके एक सेकंड आई थिंक सब जने बोलना चाहते हैं सर आपका वो जो बच्चों वाला क्वेश्चन था उससे उस पे मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा संदीप सर की आवाज क्लियर थी हम 58,000 टू बी वेरी प्रिसाइज अब आई थिंक एक बार रुक्मणी एंड रामचंद्र जी एक एक बार करके बोल सकते हैं पहले रुक्मणी एंड देन रामचंद्र जी प्लीज या गुड आफ्टरनून हिमांशु जी गुड आफ्टरनून मैं रुक्मणी हूँ और मैं ईस्ट बंगाल बिहार और झारखंड में काम करती हूँ इम्पैक्ट के तरफ से सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट थ्रू आर टीचर्स एंड सो जो भी हमारे स्टूडेंट्स है उनके पेरेंट्स से और टीचर्स से बात करते हैं कि वो एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं अपने घर में क्या क्या करना चाहिए और कुछ कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनके जो बच्चे हैं उनके आसपास में ही रहते हैं सो व्हाट दे आर डूइंग इज वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनके घर में जा रहे हैं विथ होमवर्क एंड दे आर गिविंग इट टू द स्टूडेंट एंड देन लेटर दे आर गोइंग बैक एंड कलेक्टिंग इट राइट So that's how they are connecting. That's how you mainly through phone calls, but also sometimes through visits wherever that's possible, maintaining all the social distancing. Sure. See, these things are here to stay. So I think we'll have to get used to it and get acclimatized to the way, the new way of working. Schools, मुझे नहीं लग रहा शायद कई कई जगह सितंबर तक भी खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे तो हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें मेरा लालच ये था आप लोगों से जानने का कि मतलब बच्चों के लिए क्या किया जाए शुरुआत से जो आप लोगों की समस्याएं वो तो डील करेंगे ही आप लोग तो सब बात कर ही रहे हैं मगर हम बच्चों के लिए भी क्या कर पा रहे हैं जस्ट टू गेट दैट सेंस या एनीवन एल्स आई थिंक रामचंद्र जी एंड देन अनुज जी हाँ मैं इस संदर्भ में यही बता रहा था कि हम लोग कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमारे टीचर बच्चों के नजदीक में रहते हैं जी। उन एरियाज में हम बच्चों के साथ में टीचर्स के माध्यम से पहुंच रहे हैं खासतौर से उनको जो अवेयरनेस वाला जो पार्ट है कोविड को लेकर के जी उस पे ही ज्यादा काम हो रहा है इसके अलावा यह है कि जो ग्रीन जोन के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं है तो ऐसे में हमारे टीचर्स बच्चों तक जाते भी हैं लेकिन उनके घर पे जाकर के कुछ चीजें बता करके और फिर वापस आ जाते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी सेंटर पे उनको बुला पाए हाँ एक खरगोन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हालांकि वो रेड जोन का एरिया है लेकिन जिस एरिया में हमारे सेंटर्स चल रहे हैं वहाँ उसके आसपास में मतलब इन अराउंड 50 किलोमीटर के एरिया में एक भी रेडियस में एक भी केस नहीं है वहाँ हमारे जो सुपरवाइजर हैं टीचर हैं वो बच्चों तक पहुँचते हैं और कुछ एक्टिविटी भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए करवा रहे हैं खास तौर से एक्सरसाइज वगैरह की जो एक्टिविटी है वो खुले ग्राउंड में करवाते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद में बच्चों को छोड़ देते हैं जी जी बहुत अच्छा जो सामर्थ्य है और जो कर सकता है और वो कर रहा है तो ये इससे बढ़िया क्या बात है जी जी बढ़िया थैंक यू
थैंक यू रामचंद्र जी. अनुज आप बोल लीजिए, फिर हिमांशु. ओवर टू हिमांशु सर. गुड आफ्टरनून सर. अनुज हियर फ्रॉम उत्तराखंड. जी सर, मैं ये कह जिस तरह का जो सवाल था आपका कि जिस तरह किस तरह हम बच्चों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जी. तो मैं बताना चाहूंगा कि वी आर इन ग्रीन जोन. तो जहाँ पे हमारे इधर लर्निंग सेंटर चलते हैं यहाँ पे ग्रीन जोन है और अभी तक इस तरह का कोई केसेस नहीं जी. तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पे कुछ जैसे टीचर्स क्या करें, यहाँ पे भी कोविड के बारे में लोगों को उतना नॉलेज नहीं है तो Right. बच्चों को हैंड वॉश कैसे करते हैं, क्योंकि हिल्स में हेल्थ एंड हाइजीन का बड़ा प्रॉब्लम है जी. तो उनको हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो लोग थोड़ा थोड़ा दूरी पे बच्चों को, क्योंकि लोग बच्चे वहाँ पे क्या होते हैं कि वाटर के सोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज, वहाँ पे जाकर के पानी लाना या करना, तो उसको मेंटेन करने में वो कम्युनिटी को भी डील करते हैं और बच्चों को भी, क्योंकि कम्युनिटी पानी लगे लाइन लगा करके वहाँ पे लेने जाती है, जैसे धारा पानी का निकल रहा है तो वो उसको टीचर वहाँ पे हेल्प करते हैं कम्युनिटी को. बच्चों को भी सेम, क्योंकि एक टाइम ऐसा था शाम के टाइम बच्चों को इकट्ठा करके एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कि हैंड वॉश कैसे करते हैं, उसमें कुछ यूट्यूब से वो लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं, कुछ हमने भी उनको मटेरियल शेयर किया कि इस तरीके से हैंड वॉश करना है, तो उस तरह को बच्चों को सिखाते हैं और कोविड के बारे में उनको अवेयर कर रहे हैं. एक तो ये था. सेकंड, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जहां जिन सेंटर पे हमारे लाइब्रेरीज है और जहां बच्चे पढ़ सकते हैं, थोड़ा बड़े बच्चे हैं, वो लोग उनको छोटी छोटी स्टोरीज की बुक्स उनको दे रहे हैं घर पे पढ़ने के लिए, ताकि बच्चे घर पे हैं तो वो उस बुक्स को पढ़ सके और फिर वापस रिटर्न कर सके, क्योंकि वो थोड़ा एक्सप्लेन तो भी नहीं कर सकती, पर जो बच्चे पढ़ सकते हैं उनको छोटी छोटी स्टोरीज की बुक्स जरूर दे रहे हैं घर पे पढ़ने के लिए. जी ये सर यहाँ पे, जी जी सर, ये उत्तराखंड में यहाँ पे इस तरह का है भी, बट वो है कि इन चीजों को मेंटेन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के बारे में भी मेन फोकस है, और स्टोरीज की बुक उन्हीं बच्चों को दी जा रही है जो पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ इस तरह का कुछ नहीं कर पा रहे. ठीक, थैंक यू अनुज जी. सो ठीक है, मैं जहाँ समझ रहा हूँ ग्रीन जोन तो इस वक्त सभी के लिए ड्रीम यू नो प्रोजेक्ट है कि भैया उनकी सिटी ग्रीन हो जाए और सारी चीजें खुल जाएं, होपफुली आने वाले समय में खुलेगा. अब मेरा दूसरा सवाल है, और मैं थोड़ा सा आप लोगों, क्योंकि मेरे पास आप लोगों की क्वेश्चंस और चीजें और थोड़े चैलेंजेस आए हैं जो प्रीति ने मेरे साथ शेयर किए थे, तो इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि अगेन यू कैन रेज योर हैंड्स, यू नो आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो खुद रोज कहानियां या किताबें पढ़ते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो, अगर कैसे पता नहीं, इसमें तो ईमानदारी का पैरामीटर तो नहीं है कोई, मगर अगर ये कहा जाए कि हम रोज यू नो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, प्लेजर रीडिंग के लिए पढ़ते हैं, अपने बच्चों के साथ मिलके उनको पढ़ाते हैं, मगर कोई ना कोई एक रीडिंग एक्टिविटी हमारे आपके जीवन में जो ना रोज एक कुछ समय 30-40-50 मिनट गुजरते हैं, ऐसे कितने साथी हैं? सर गुड मॉर्निंग. जी हाँ जी सर, रीडिंग के लिए इसमें ये है कि जो हमने एक ऐप है सर प्रथम की ही, मिस कॉल करो तो आपको कहानी सुनाई देगी, है ना जी. हाँ जी, तो वो हमने अभी कुछ जगह पे शेयर किया है और मतलब ज्यादा जगह पे तो नहीं कर पाए हैं, साथ ही साथ उसमें से मैं भी सुनता हूँ, और जब मौका लगता है सेंटर में जब जैसे हम कभी जाते हैं तो साथ ही साथ हम वो बच्चों को भी सुनाते हैं सर, तो उसका मैं यूज करता हूँ सर. ठीक है, नहीं अभी मैं जानना चाह रहा था कि आप कितना पढ़ रहे हैं. जी रुक्मिणी कहना चाहेंगी कुछ? हाँ सर, पढ़ते हैं रेगुलरली, स्टोरी बुक्स तो पढ़ते ही हैं, और रोज नहीं भी हो तो कुछ वीक में तो 2-3 बार तो डेफिनेटली, अगर कोई एक किताब खत्म हो जाए तो शायद 2-3 दिन नहीं शुरू करते हैं, मगर रोज नहीं हो, आई मीन इट्स नॉट एवरी डे बट रेगुलरली पढ़ते. सो हाउ मेनी ऑफ यू यूज डिजिटल डिवाइसेस टू रीड? कई लोग ऐसे हैं जो डिजिटल डिवाइसेस पे पढ़ते हैं, टैबलेट्स पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे. यस सर. और उसी पे करते हैं या उसी के माध्यम से करते हैं? ओ जी सर. हेलो. जी जी, हाँ, जी राहुल जी,
जी सर, तो मैं रोज पढ़ता हूँ और न्यूज में रोज लगभग दैनिक भास्कर एक ऐप डाउनलोड किया हूँ और लगभग एक घंटा रोज उसको पढ़ता हूँ। ऐसे माने कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर भी हो गए, हिंदी भी हो गए, एक घंटा डिजिटल पढ़ता हूँ। जी आप पढ़ते हैं। तो अब अगर ये बात करी जाए जैसे कि हम बच्चों में एक there is a sort of progressive path how children learn. आप जानते हैं कि बच्चे पहले listening skills उनकी improve होती हैं, फिर उनकी speaking skills improve आती हैं, और फिर उनमें reading skills आती हैं, फिर writing skills आती हैं। हम इसे LSRW बोलते हैं। आप लोग इस टर्म से वाकिफ हैं? जी सर। राइट। सो मुझे लगता है कि दो चीजें जो है ना, अभी जो मैं वहां पे अगर मैं कुछ समस्याओं को देखूं जो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर करी थी, उसमें मैं ये देख रहा हूं कि मोटे तौर पे कहीं ना कहीं जो मोटी समस्याएं हैं, एक तो भाषा को लेके हैं जो कि अंग्रेजी को लेके हैं, कहीं ना कहीं हमारे को जो है डिलीवरी की प्रॉब्लम है, डिसेमिनेशन करने की प्रॉब्लम है, जैसे कि आप स्टोरी को पढ़ना या उसको समझाना ये प्रॉब्लम है, कहीं ट्रांसलेशन की समस्या है आप लोगों की जो गैप एरियाज मेरी समझ में आए हैं, तो इसको लेके आप लोग अपने से क्या कोई किसी किस्म की कोई कैपेसिटी बिल्ड करते हैं पढ़ने के अलावा? और अगर 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 कोई साथी शेयर करना चाहें कि वो क्या करते हैं। Would somebody like to share? अपने सेल्फ कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए आपने समझ लिया कि भाई मेरे में ये कमी है, मेरे में अंग्रेजी को समझने की कमी है, मेरे में डिलीवर करने की कमी है, मेरे में प्रोनंसिएशन की कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम है, मैं ठीक से वाक्य नहीं बैठा पाता हूँ अंग्रेजी की बात करें तो आप लोग उसको लेके खुद से क्या सेल्फ कैपेसिटी बिल्ड करने की कोई प्रयत्न करते हैं, किसी किस्म की ऐप, किसी किस्म का कोई और एक्सरसाइज करते हैं क्या खुद से? ऑनलाइन कोर्सेस काफी अवेलेबल है and like Coursera and edX. So whenever I realize ki there is a knowledge gap, so I prefer going to those websites and looking for a course relevant, jisme main wo skill ko develop kar sakun. Sure. So that's good. But how many of you, I can see there are 36 people, 30 plus people here. How many of you really make a genuine effort? Yes, Farhan. मैं अगर अपनी बात करूं जी, तो मैं जो है क्योंकि मैं न्यूज वगैरह बहुत ज्यादा देखता हूं, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि वो न्यूज वगैरह जो देखूं तो इंग्लिश वाले जो चैनल हैं वो ये देखूं और जो न्यूज पेपर वगैरह वो पढ़ूं। दूसरा एक चीज ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह के हैं, तो उनसे मैं जो है बात उत करता हूँ या उनको मैं अपना कुछ जो भी काम हो वगैरह करता हूँ तो उनके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो वो मुझे जो है उस हिसाब से फीडबैक वगैरह देते रहते हैं, तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है। जी जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? तो जी सर, मैं इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो इंग्लिश अच्छा करने के लिए हेलो इंग्लिश करके एक ऐप है जी, और गुरु स्पीकिंग करके, तो दो ऐप को यूज करता हूँ। हाँ ये है कि कंटिन्यू पूरा नहीं बना पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सप्ताह में कम से कम 3-4 घंटा उसके लिए निकालें, ये ट्राई चल रहा है। अच्छा चलिए, ये अच्छा आपने जो है ना ऑनेस्ट एडमिशन है ये। और बताएं, और कौन? अनुज। सर, समटाइम्स आई यूज के गूगल ट्रांसलेट है जी, कुछ अगर मेरे को लगता है कि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ
कहीं बार मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ तो आजकल वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल है तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो मेरे डिफिकल्ट होते हैं तो, क्योंकि वो थोड़ा स्पिरिचुअल रिलेटेड है तो मेरे को गूगल ट्रांसलेटर या उसका यूज करना पड़ता है. एक मैंने डिक्शनरी डाउनलोड की है जी ऑनलाइन तो उसमें वो सर्च करने पड़ते हैं कई बार कि हाँ इसका मीन्स ये है. जी जी ठीक है. अब मैं चाहूंगा कोई जो अभी तक ना बोला हो वो बोले कुछ थोड़ा. वो भी अपना रहमान साहब हैं, सुनील हैं, रवि हैं, बहुत सारे साथी हैं जो कुछ बोले नहीं है, सिर्फ अभी लिसनिंग मोड में चल रहे हैं. अगर वो भी कुछ हमारे साथ शेयर करें. इसमें एक चीज और होती है कि मैं कई बार हेलो जी 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 बोलिए. कि मैंने बुक्स मंगाई थी जो उसको मैं पढ़ता हूँ जो एक्सेल लर्निंग के लिए है जी. तो समटाइम्स के मेरे को डिफिकल्टी होती है कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जी. तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है बुक से एक बार को समझना. तो देन आई यूज यूट्यूब. कुछ चैनल्स हैं जो मैं सब्सक्राइब किए हुए हैं कि उस पर उससे रिलेटेड जाकर के उस फंक्शन से रिलेटेड उस फॉर्मूला से रिलेटेड वीडियो सर्च करके उनको देखता हूँ. देन दे रियली हेल्पफुल फॉर मी कि वहां से अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वहां से मुझे हेल्प मिलता है. मैं उसको जो है वो जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है मैक्सिमम. राइट. जी तो कुछ कह रहा है. देखिए ऐसे समय में छींक मारना अच्छी बात नहीं है. तो एनीवे विनीता. Yes, Manju. Yeah. So, you know, like how we were discussing, can you just through your computer while sharing your screen, can we touch upon certain areas, you know, where we feel that there are reading resources available for them to build capacities? Can we take them through some of the, you know, areas? Of course, you know, what we felt after seeing all the gap areas, I think जो सबसे बड़ी बात उसमें निकल के आ रही है कि वो सेल्फ प्रैक्टिस नहीं हो रही है. अगर ये सेल्फ प्रैक्टिस आप लोगों की तरफ से होगी तो वो मैं समझता हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान वो है. और इसके लिए आपको खुद से थोड़ा डेडिकेटेड समय निकालना पड़ेगा. जैसा कि कुछ साथियों ने बोला कि YouTube से और ये सब चीज़ों से, ऐप से इंग्लिश लर्निंग के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, अंग्रेजी न्यूज़ देखना या YouTube पे सॉल्यूशंस ढूंढना, ये अच्छी बातें हैं, मगर ये हमारे को बहुत ज़्यादा लेवल पे करना पड़ेगा अगर हमें अपने आप में वो कैपेसिटी बिल्ड करके इम्प्रूव करना है. और इसकी झलक आपको दिखेगी. अभी तक हमने आप लोगों के साथ जो ट्रेनिंग्स करी हैं कुछ रीजन्स को लेके है, वो हमेशा बच्चों को एंगेज करने से लेके करी हैं. मगर अगर आप लोग जो हैं वो अगर एंगेजमेंट नहीं ला पाएंगे, वो स्मूथ डिलीवरी नहीं ला पाएंगे, तो शायद जो हम एक एंगेजमेंट का वातावरण देना चाह रहे हैं बच्चों को, या वो नहीं हो पाएगा. और मैं समझता हूँ कि वो वहीं पे थोड़ा सा गैप है, कहीं हिचकिचाहट है, कहीं कमी है, और सारी चीजें करने की जरूरत. तो मेरी साथी विनीता जो है वो कुछ चीजों को समझाएंगी हमारे स्टोरी वीवर प्लेटफॉर्म को लेके. और सभी लोग ध्यान दें कि जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी या जो उसमें उसके की हाइलाइट्स हैं, आप उनको जरूर और जरूर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अभी से. विनीता ओवर टू यू. या हाँ विनीता, वी कैन सी एज ऑफ नाउ. या ओके. सो जस्ट प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी इफ यू हैव एनी डाउट्स इन बिटवीन, बट आई जस्ट वॉक यू थ्रू. लाइक आई लुक्ड एट द क्वेश्चंस जो थे जो आपने शेयर किए थे, उसमें से हमें मेन थिंग्स जो लगे कि एक है कि प्रोनाउंसिएशन काफी मतलब इज एन एरिया ऑफ स्ट्रगल, राइट, कि हम कैसे राइट प्रोनाउंसिएशन को यूज करें या और कैसे सिखाए, या फिर दो लैंग्वेजेस के बीच में जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश करने में टीचर्स को थोड़ी दिक्कत हो रही है. तो उस फॉर दीज थ्री प्रॉब्लम्स आई लाइक ऑन आवर डिजिटल रिपोजिटरी स्टोरी वीवर देयर आर फ्यू रिसोर्सेज जो शायद इस यू नो इस गैप को फिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं. बट लाइक हिमांशु सिंह, ये
it will be great if teachers themselves use these, maybe especially during the lockdown, to familiarize themselves with the stories, right? Fir it classroom mein agar ye translate ho jaye to bahut achhi baat hogi. So I'll just website ka naam ye hai storyweaver.org.in jahan hamari sari pratham books ki kitabe digital form mein milti hai. To agar aap dekhenge yahan pe to ye wali jo videos hai ye hai audio video stories jisme ज्यादा कुछ मूवमेंट एनिमेशन नहीं है ताकि फोकस ज्यादा रीडिंग और लिसनिंग पे हो एंड सेम लैंग्वेज में सबटाइटल्स आते हैं नीचे. सो फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे पास हिंदी में भी बुक्स है. सो अगर मैं हिंदी भी ऐड कर दूं राइट यहाँ पे ये स्टोरी अगर आपको रीड करनी है तो इस फॉर्मेट में है. लेकिन आपको अगर कुछ असिस्टेंस चाहिए अगर आप रीड अलॉन्ग ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ऑडियो वीडियो और ये पर पेज लेवल पे आता है. तो आप पॉज भी कर सकते हैं. एक पेज में सिर्फ 6 वर्ड्स हैं तो अगर आपको वर्ड्स को रिपीट करके सुनना है या फिर यू नो प्रीवियस पेज को रिपीट करना है इट्स नॉट लाइक अ वीडियो की आप पॉज कर ले. तो आप ये भी है कि 6 वर्ड्स एक टाइम पे आप सुन सकते हैं. ऑडियो आपको अभी सुनाई देगा बट तो आप जैसे आप नीचे यहाँ आप वॉल्यूम पॉज स्टॉप बटन्स को यूज करके जैसे वो टेक्स्ट रीड हो रहा है वो जैसे वो स्टोरी में वो वर्ड रीड हो रहा है वही टेक्स्ट नीचे हाईलाइट हो रहा है. सो आई थिंक दिस हमने ये काफी ऑर्गेनाइजेशंस मतलब बैंगलोर के आसपास जो है ये टीचर्स ट्रेनिंग में भी हमने यूज करते हुए उन्होंने काफी हमें सक्सेस देखा है कि सेशंस में टीचर्स में भी हाफ एन आवर अ डे प्रैक्टिस करते हैं इन स्टोरीज को लिसन करते हैं फिर पढ़ते हैं एंड देन दे शेयर विद इन अ ग्रुप. ये आई फील मे बी क्वाइट हेल्पफुल इफ फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2 क्योंकि स्टोरीज भी ज्यादा लंबी नहीं है वर्ड सिंपल है लेकिन अगर जैसे कि इंग्लिश में एक पॉइंट आया था कि कैसे वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या कैसे ब्लेंड करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लेंड्स पे कोई चैप्टर लाइक स और ट ज्वाइन करके स्ट कैसे आता है ऐसे सारी काफी वर्ड्स इज इन बुक्स में ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड में अगर आप देखेंगे अगर आप क्लियर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम और एल साउंड को कैसे ब्लेंड करते हैं आई फील कि ये आप क्लास में भी यूज कर सकते हैं और उसके पहले प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज वन रिसोर्स दैट आई फील मे बी हेल्पफुल. ये हमने इंग्लिश हिंदी अभी कन्नड़ा मराठी में भी है लेकिन इंग्लिश के लिए हमने काफी यूजफुल फाइंड किया है. टीचर्स ने बताया कि वो काफी यूजफुल लगा है उन्हें. Any questions this point pe? Anyone, any questions, please? Yes, I have one. Yes, Ravi, please. और मैम बीच में प्रोनाउंसिएशन की बात आई थी एंड मैं इस पे खुद भी क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ बिफोर गिविंग इट टू समवन एल्स या बिफोर डिसेंडिंग इट टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कि प्रोनंसिएशन में जिस तरह के प्रोनंसिएशन हमें बताए गए अभी तक जैसे पीछे बताए गए जैसे हम बचपन से पढ़ते चले आए एंड तब में और अब में बहुत फर्क आया है. सो अभी बहुत सारी चीजें हम कुछ और लेट्स से एग्जांपल अगर हम प्रोनंसिएशन की ही बात करें दिस वर्ड इटसेल्फ सो द स्पेलिंग इज प्रोनाउंसिएशन. बचपन में हमें टीचर ने ऐसे ही सिखाया कि इट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन एंड अब हमें बोला जाता है कि इट इज सेड प्रोनंसिएशन. सो ये जो नई चीज आती है ये कितनी हद तक सही है बिकॉज मेरे को अभी पीछे हम जब कॉलेज में थे तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था नाउ इट इज बीइंग कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. सो ये प्रोनंसिएशन जो इस तरह का आता है ये किस हद तक सही है और किस हद तक इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज मैं तो
कुछ चीजों में थोड़ा सा रिजिड हो जाता हूँ कि भाई क्या अब कोई और बोलता है कुछ और, कोई और बोलता है कुछ और, ब्रिटेन वाले कुछ और बताते हैं, अमेरिकन कुछ और बताते हैं, तो हमें क्या जरूरत है इधर उधर के सुनने की। देखिए वैसे तो यू नो आई यू नो जस्ट बिफोर विनीता स्पीक्स, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हालांकि हम लोग यूके इंग्लिश यूज करते हैं, मगर फॉर्चुनेटली मेरे पड़ोस में दो इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं जो कॉलेज से रिटायर हुए हैं, और वो दोनों के दोनों अंग्रेजी से सेटिस्फाइड नहीं है। जो 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 अंग्रेजी की समस्याएं है ना, जो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, प्रोनाउंसिएशन कह लीजिए या यू नो शब्दों का हेर फेर जितना अंग्रेजी में होता है और जैसे कहा जाता है, कहाँ साइलेंट होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ पे आप प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करेंगे, बहुत सारी समस्याएं अंग्रेजी को लेके। तो मगर मुझे ये लगता है कि ये सब चीजों का जो कोशिश है, और खासकर जहाँ पे लोगों को समस्या है, वो ये जो रीड अलॉन्ग विनीता ने, मेरी कोलीग ने शेयर किया, इससे कहीं ना कहीं वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी। मगर मुझे लगता है हर व्यक्ति को जिनको की अंग्रेजी को लेके अगर कुछ मदद चाहिए, तो उनको एक डेडिकेटेड कोर्सेज या यू नो कुछ पैकेजेस लेने पड़े। विनीता, व्हाट्स योर व्यू? या आई आल्सो फील लाइक रखी है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रखी है कि वो भी डिस्कनेक्ट ना हो, कि नॉर्मली हो जाता है कि अदर वीडियोस में होता है कि ब्रिटिश एक्सेंट आ जाता है या ब्रिटिश लैंग्वेज में ज्यादा फोकस होता है ब्रिटिश इंग्लिश पे। तो हमने ये ट्राई किया है कि हम जितना भी पॉसिबल हमारी डे टू डे लाइफ में जैसे ये वर्ड्स स्पोकन है वैसे ही हम यूज करें। सो फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन का, इट इज करेक्ट दैट इट इज यू नो द स्पेल एंड द वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन, जो हमने सीखा था, आई फील यू नो आई फील लाइक वी शुड बी एबल टू करेक्ट दैट। बट थोड़ा आई थिंक यू नो आई फील लाइक टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो झिझक ज्यादा महसूस करते हैं, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि इतना वरी करते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। आई फील ये टूल वो झिझक थोड़ी हटाने में हेल्प कर सकता है, एटलीस्ट इट्स अ बूस्ट, लाइक इट विल बी वन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि यू नो देयर इज दिस इज एक्सेप्टेड यूसेज एज वेल। तो परफेक्शन को करने से ज्यादा आई फील अगर एक कॉन्फिडेंस यू नो हम खुद में डेवलप कर सकते हैं far as possible for these words, especially क्योंकि ये level 1 और level 2 के words है, we have kept the word, you know, word choice also simple, ज़्यादा conflict वाले words आपको नहीं मिलेंगे, so I'm hoping कि ये teacher tool की तरह भी use हो सकता है, कि जैसे हिमांशु जी बोल रहे थे कि teachers खुद नहीं पढ़ते हैं घर पे कभी, हमें काफी workshops में ये देखा है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि आप you know reading habit inculcate करो, रोज आधा घंटे you know पढ़ो घर पे, but हम ही खुद कर नहीं पाते हैं, तो I feel this may be one small step in that direction। Ravi, is that okay or do we need to discuss a little more on the same? नहीं मैम, ठीक है, बाकी फिर आगे इस पे और बात होगी तो definitely I need to reach a conclusion कि क्या करा जा सकता है इस पे, because अभी initial level पे तो हम बच्चे को वो बताते हैं जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। let's say अगर हम class 4th या 5th की बात करते हैं, so एक word मेरे पास अभी भी mind में अटका हुआ है, envelope। अभी now it is being said कि ये envelope होता है, तो I don't know ये कितना use होता है, कहाँ use होता है, कैसे use होता है, because हम teacher को words के उच्चारण पढ़ा रहे होते हैं, तब हम E बताते हैं, N बताते हैं, O बताते हैं, and then suddenly it comes to them कि वो envelope बोला जाता है उसको। अब अगेन द थिंग इज कि वो कह रही है सर आपने ई बताया था, मैडम आपने ई बताया था, अभी तो एनवलप पढ़ते थे, अभी ये ऑनवलप कैसे हो गया। सो ये चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत करती हैं। सो लेट्स से फिर हमारे पास भी उस चीज का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। आई थिंक यू नो इसका आंसर आपको मिलेगा भी नहीं, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू कम बाय प्रैक्टिस, बाय रीडिंग, बाय नोइंग, बाय रेफरिंग,
you know, all that one will have to always do. Like some of the people said that they really go back and check and validate and see whether they are doing right or wrong. So I think कहीं ना कहीं पे जो बार बार निकल के बात आ रही है वो है सेल्फ प्रैक्टिस की. अगर मैं यही कहूँ आपसे कि आपने जो अभी विनीता ने जो सेम लैंग्वेज सब टाइटलिंग की कहानी दिखाई थी, वो अगर अगर आप क्या कहानी को मेमोराइज कर सकते हैं अंग्रेजी में और उसको पहले से तैयार कर सकते हैं क्लासरूम में डिलीवर करने से पहले? नहीं नहीं नहीं, वही मैं कह रहा, तो वो चैलेंज है ना, क्योंकि 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 अगर आपने वो चीज पहले प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने तैयारी कर ली, मान लीजिए कि आपने जो उदाहरण दिया एनवेलप और ऑनवेलप का, और ये चीज आपने अपने प्रैक्टिस सेशन में पकड़ ली, करेक्ट, तो वो आपकी डिलीवरी क्लासरूम में ठीक हो जाएगी कि नहीं होगी? क्लास में ठीक हो जाएगी, बट माय पॉइंट इज कि उसको हम प्रैक्टिस करने के बाद भी आई विल बी सेइंग इट एनवेलप नॉट एनवेलप. अगर हम एनवेलप प्रैक्टिस करेंगे तो हम एनवेलप ही बोलेंगे, वो इशू नहीं है. बट क्या वर्ड सही है या क्या प्रोनंसिएशन सही है, आई एम मोर इनटू दैट कि हम एनवेलप बोलेंगे तो गलत कहलाए जाएंगे या फिर हम एनवेलप बोलेंगे तो सही या गलत कहलाएंगे. मुझे तो नहीं लगता है वैसे, पर्सनल मेरे तौर पे अगर आप पूछें तो. आई डोंट नो Vinita, do you have, you know, maybe Shubhangi, do you have a view on this? Hello? Shubhangi, can you hear me? Himanshu? Yeah. I think Shubhangi might be having this connectivity or sound this issue. I had a question along with Ravi's, or rather, I don't know if it's answering Ravi's. Is there a 100% correct one option off for everything? I doubt, honestly. Yeah, because you know, we've grown up all along. I thought it was poem. I'm giving a totally different example. And my kids, when they were small, daughters, they would come back and say, we learned a poem today, poem. I was attending a writer was reading out his new script on this, you know, what they do on the stage, and I asked him. And he smiled and I remember his answer. He said, listen, you know, gentlemen, I think there is an absolute correct way of you know, poem, and they will think, he's saying you'll find a lot of these things which are there, mm-hmm. and English language is one where you know, there's a multiple way of pronouncing, so to speak. I would go with that, because like I gave an example, you know, and we actually generally end up debating this. And, you know, the delivery of even English, forget about the pronunciation, a correct or, you know, an envelope or an envelope, you might see that between the people, you know, saying so. So a British or a French person, you know, a Punjabi and a Maharashtrian and a Kerala, you know, everyone would have their own pronunciations, you know, would have their own deliveries. Yes. So it's to me, you know, it's not, shouldn't be too much of a botheration actually at this point. Yes, sir. And just to that, even if you search in YouTube and you say that, you know, what is the American way of pronouncing a particular word or an English way of pronouncing a particular word, both will be very different. But both are right and they're on the internet. So a tomato and a tomato and a potato and a potato. So it's both correct, I think. There's no one right. That's what I'm saying. Language is such a space, you know, it's very tough for you to, you know, for example, Germans speak what they write. So when you write, we write literature, but they say literatur. That's how you write, right? Americans would say, tire, T-I-R-E, you know, but you write it T-Y-R-E. So I'm saying somewhere the spelling, somewhere the pronunciations,
somewhere. So I think it one has to be adapted. Let's like you know, Vinita said that what we are trying to do, the kind of voiceovers, the kind of pronunciations, the grammar, the usage of words, we're trying to bring it to an optimal, you know, it's a highly Indianized version of what we feel is correct. That's it. Thank you. Right. Yeah, Vinita, go ahead. Yeah. So one of the courses that we have on the platform, and this might help where you know, teachers struggle with the English to Hindi translation or the Hindi to English translation, is the bilingual. Vinita, I don't know if your voice is breaking. Your voice, Vinita. Yeah, it's breaking. I think okay. Is an important word. Yeah, better. Okay. So one of the features that we have that might help with the two language transition for teachers is the bilingual books feature. So I'll just show that to you. But before that, I just want to draw. No, it's breaking, Vinita. So, hello? Yeah, Vinita, your voice is breaking. My connection has been terrible since the morning. Should I just drop off and come back? Yeah, sure. Sure. You think that's going to be better? I think in the meanwhile, Himanshu, sir, continue. Yeah. But Mamta has to say something. So yeah, Mamta, please. What Mamta has to say, please. Okay. So, hi, sir. Look, जब भी conversation कर रहे थे about certain words and how they are pronounced, मेरा ये सोचना था कि language in and specifically in English, जो हमारे लिए एक second language है, foreign language है, I was reading somewhere and it said कि language का purpose होता है communicate करना किसी भी. तो अगर हम communicate कर पा रहे हैं और words को अगर हम correct pronounce कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तब भी वो चलता है क्योंकि जो हम बोलना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है क्या वो दूसरे बंदे को समझ में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट कि लैंग्वेज इज इक्वल टू कम्युनिकेशन इफ दैट्स हैपनिंग देन आई थिंक इट्स वेल इनफ नो आई परफेक्टली आई 100% अग्री विद यू वन इज अ सेकेंडरी लैंग्वेज सेकेंड इट यू नो एज फार एज इट मेक्स सेंस एंड समवन अंडरस्टैंड्स इट्स ऑल राइट आई मीन सी द परफेक्शन टू एनीथिंग यू नो is next to impossible, right? And there is always a scope for improvement. So I certainly agree with you. And if you are able to put your point, I mean, the way we would have learned, I think I myself come from a government school, you know, where the English teachers or people, you know, who were taking my classes were not really very well equipped. But I learned on my own. बचपन में Hollywood की movies subtitles के साथ देख देख के अंग्रेजी सीखा. जी. Right. So I think it's okay, and it's not. We shouldn't really get into. It shouldn't be bothering us that you know, the pronunciation is going to matter. I think if you are able to read and write and speak, this itself is quite a bit. And especially considering the kind of audience we all touch base with, and the kind of limited resources and skill sets they have. Yes. So we have to think. From you know, holistically, yes. We may not really bring them to the UK US standards of pronunciation. India doesn't have. I mean, the world follows certain 2-3 different kinds of pronunciation models. I mean, na to aap UK type se bol payenge na aap you know US type se bol payenge. To kya karenge? India ka type available nahi hai. Sir, but India ka type available hai. Like how Indian English is like very trendy these days. Like. Authors like Salman Rushdie and all, unka kaafi Amitabh Ghosh, they are these writers, Indian writers, jinka English, Indian English kaafi prominent hai literature mein. They are actually coming up with this. So that's what I'm saying. So yes. All these people have adapted themselves. Correct. To the Indian reading styles. Yes. Right. So there are, Americans are prone to using lots of slang because that's how what people love and like there. Yes. Right. Indians don't like. आपको अगर मैं दे दूंगा कोई स्लैंग यहाँ पे तो आप कहेंगे आपको एक पेज में तीन स्लैंग्स आ गए तो आप बोलेंगे कि यार ये तो बेकार है. Yeah. You know?
Yeah, Vinita, you're back. Yeah. Anyone else? Yeah. Is my voice clearer now? Yes, far more better. Yeah. So the other feature that I think might be useful, and this is in light of the conversations that, you know, challenges with two languages, right? So when maybe teachers struggle to understand or explain the text because it's only in English, I feel this feature may be helpful. And this is the bilingual stories feature. So if you look at the books on Storyweaver, I wanted to draw your attention to the fact that Storyweaver houses books, not just from Pratham Books, but also other publishers and some that are created by users in the community, right? So if when you're looking for books on Storyweaver, I would recommend that you use this filter that you see and pick a publisher option so that at least the quality of content is vetted from our end. Another good rule to consider is if a book itself has the thumbs up, if you see a recommended tag here, this means that it's created by a publisher. So just a rule of thumb to follow that, look for stories that are publisher recommended. And if you want to look at bilingual books in the language, you should be able to find, if I want Hindi, I will find English Hindi here. And we have these for multiple other languages as well. Hello. Hello. Yeah. We'll have to remove the English filter. I thought I'd remove that. One second. Yeah. I think that's why it's picking up. The English filter is there. Now it's set to default. Sure. So if you look at this book, it has the same line in English, the same sentences in English and in Hindi. So while teachers are preparing beforehand, it might help for teachers to read the story once and read it with the Hindi explanation so that with the Hindi text, where explanations and comprehension becomes easier for them and in the classroom. Right? And this also helps with vocabulary. So for example, there's one story that we have where there is a word called boulder, which a lot of teachers didn't know. But the same story, because it's available in Hindi, they're able to find the right, word or the right meaning for that. This we have again in English, Hindi, we have it in English and a few other languages. And I feel like, you know, teachers can use this also for prep and in class. Right, and you can find them from the read section. This will show you all of the stories. Like in Agarapko, when we need bilingual, we will now it's auto set to English and then search for the language that you need. The third thing that voice is breaking. Hello. Be useful is I feel like a lot of us struggle, and I think the concern that we may be wrong is the real reason a lot of us try to communicate in language, because there are a lot of rules that the idea is to communicate and to be comfortable communicating, right? So I feel like a lot of the images on Storyweaver, all the images from all of the books that Pratham Books creates and multiple other publishers are available in the images section. So this might be a great way for teachers to use these as conversation starters in classrooms or for picture description and things like that. And I feel it's okay if we don't get it 100% right, but if it's making us more comfortable communicating in English or in Hindi, and we're able to use those skills, that's still a great first step for teachers and for children. The other feature that I think would be really helpful
is we've based on curated collections of books that are actually best used with koi bhi specific objective. So for example, I want to teach grammar only using books. There is maybe one list that you can find, just me, the books that are selected are best, have a lot of say opposites, have a lot of nouns and verbs. So this list section that you will find has curated books. So it has sets of books, and we've also gotten sets of books that organizations have created that work on literacy. So for example, Chipper Sage is an organization that works on English literacy. So they have selected some books together and they have made lists of how they would use it in their program. So for example, if you're looking to teach something on vocabulary or grammar or phonics, this you can click on this list and see each of these stories also comes with a teacher tip, a small tip, and teachers are free to use this, you know, to modify this a little bit, but they can use, say, for this example, this story about the snow, which is, you know, repeat the word multiple times, or if you're looking at another sound, say the g sound in a story. So each story and one tip for usage. The same way you have books on, say if you want to do something on environment, and instead of searching for all the books on the platform, you can just find, you know, that list. In terms of fluencies itself, we want to keep this so we've done it based on an average fluency, that is a beginner fluency, a middle fluency, and an advanced fluency. And we say that a beginner fluency is anywhere between a first to third grade. So if you look at it here, so if you look at a list for children suitable up to grade 3, so it can be somebody in grade 3 or even somebody in grade 1. Sorry, I'm just having some problem with my internet. Right. So you will find all the lists here, and these lists are also available in English and Hindi. So the same list is available in English and Hindi. So it might be another idea could be to use, you know, maybe use the Hindi list while you're prepping beforehand and the English list in class, if you know the class is particularly focused on teaching English, and for practice the Hindi list could be used. Again, all of these are curated based on the topic. So there's something for grammar, there's something for science, there's something for math, and each of the stories comes with a teacher tip. So these are the three basic main resources that we've had that educators have, you know, used and suggested. Himanshu, those were the main things that I wanted to cover. So there are books on you know, how to build reading fluency, about feelings. So I feel with vocabulary, how children learn to express themselves with feelings. So you know, adjectives and other things are covered here. There's a book on habits and things like that. Right. So you know, thank you, Vinita. You know, we also have a set of books on board. Vinita, your voice is stretching and breaking again. Yeah, I think that's Vinita's only, right? Everyone else is... I was just summarizing that, Himanshu, but maybe you can take it from here if my voice is... Yeah. No, it was partially I heard. So that's okay. So, okay. You know, I would like to now know, Preeti and other, you know, friends, that did you find... something you know, which would be of some relevance to you? And I think this is, so many times I've been repetitive that ye jitna bhi cheeze hain hum ye bachchon ke liye nahi bata rahe hain, hum ye aapke liye bata rahe hain.
बिकॉज आई थिंक यहाँ पे ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. यू हैव टू ब्राउज थ्रू द प्लेटफॉर्म. You will have to look at, you know, where I need to improve on read aloud, where I need to improve on fluency, where I need to look at, you know, और इसमें मैं एक चीज और add करना चाहता हूँ, शायद विनीता थोड़ा आगे explain कर दें कि इसमें आप किताबों को recreate भी कर सकते हैं platform में. मान लीजिए कि आप zero level पे थे और आप level two पे आ गए हैं, तो आपने you know of any competency, right? So, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी किताब को आप लेवल भी चेंज कर सकते हैं. आप यहाँ पे रीलेवलिंग कर सकते हैं किताबों की. आप एक किताब को सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना सकते हैं. सो जब आप लोग इस प्लेटफॉर्म को एक थरोली यूज करके देखेंगे, इसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें देखेंगे, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि आपके पास वो कैपेसिटी आएगी कि आप अपने से कहानियां लिख सकते हैं. आप अपने से, जो हमारी समस्या थी सेंटेंस बिल्डिंग को लेके, कॉम्प्रिहेंशन को लेके, या किसी चीज को करके. और इसके लिए जैसा आज तो हमें ये छोटे रूप में एक स्टोरी व्यूअर का हमने कहा कि आप लोगों को एक थोड़ा सा इसके प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाए, मगर मैंने प्रीति से और यू नो इनसे बोला था मैम से कि हम लोग जो हैं वो एक डेडिकेटेड वर्कशॉप भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको और डिटेल में कभी इसके जो रिसोर्सेज हैं वो आपको बता सकें पूरे अच्छे से. और विनीता, डू यू वांट टू शो समथिंग? I was just showing that, for example, we have this story, which is a level two story. But if you want to re-level the story, and we've seen some users, जिन्होंने ये already किया है, आप इसको यहाँ पे ये जो mode पे आप re-level कर सकते हैं. And आपको अगर text simplify करनी है, same storyline रखनी है, same plot line रखना है, but language अगर change करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो इनफैक्ट इस स्टोरी का एक एग्जांपल ये था कि ये ओरिजिनली एक लेवल टू स्टोरी है, बट कुछ यूजर्स ने इसको लेवल वन पे भी बना दिया है. सो अगर दिस इज जस्ट अ सैंपल ऑफ द रीलेवलिंग. अभी ये लेवल टू पे है, अगर मुझे उसे लेवल वन पे बनाना है. तो मैं ये गाइडिंग टेक्स्ट माई वर्जन ऑफ द स्टोरी बना सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसमें काफी ये डायरेक्ट स्पीच के है, बिकॉज कॉन्वर्सेशन है. बट डायरेक्ट स्पीच इज समथिंग जो बच्चे शायद थर्ड फोर्थ ग्रेड में पढ़ते हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक इट सिंपलर, यू कैन जस्ट से गुल्ली वाज सिटिंग विद हिज ग्रैंडफादर एंड टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर, राइट? तो ऐसी चीजें हमने काफी देखी है कि एजुकेटर्स सेम स्टोरी को कैसे डिफरेंट लेवल्स पे, और ये भी होता है कि क्लासरूम में अलग अलग लेवल्स के बच्चे होते हैं, बट यू डोंट वांट द चिल्ड्रन टू नो कि उनका लेवल शायद थोड़ा अलग है, और यू नो टू इन एनी वे मेक देम फील यू नो सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. सो वी यूज द सेम स्टोरी एंड डिफरेंट टेक्स्ट, सो बच्चों को पता है कि इट्स ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ माई रीडिंग लेवल एंड नॉट रियली एनी अदर गैप दैट आई हैव. So this is a feature that I just that Himanshu was talking about. Right. Thank you, Vinita. So you know, like I was saying, one is this, and of course there are many more things which we were you know, we can take you through. There is, you can see one of the headers, which is a reading program. ये छह महीने का पूरा dedicated reading program है, अगर आप अपने से इसको करना चाहें तो. ये सारे रिसोर्सेज या जो आप लोग इंग्लिश लर्निंग के एप्स या यूट्यूब या बाकी चीजें करते हैं, देखिए जितना आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे, मैं समझता हूँ उतना आपकी डिलीवरी और बाकी समस्याएं जो हैं वो जो है ना खत्म होंगी. एक उदाहरण के तौर पे मैं, जैसे उस दिन हम प्रीति के साथ बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अगर ऐसे हैं जो गूगल की बोलो ऐप है, फॉर एग्जांपल, एक तो स्टोरी वीवर प्लेटफॉर्म है, आप गूगल की एक बोलो ऐप है जो अंग्रेजी और हिंदी में है और हमारी ही कहानियां इस्तेमाल करती है. हम लोग गूगल के साथ बहुत नजदीक से काम करते हैं, तो वहां पे आपको जो है वो यही चीजें
कुछ और एक्टिविटीज, कुछ कठिन शब्दों के साथ, कुछ और एक्टिविटीज के साथ मिल सकते हैं। सो एक वो जरिया है आप लोगों के पास प्रैक्टिस करने का। दूसरा कि कुछ साथियों ने कहा कि बता रहे थे कि हम लोगों का जो मिस्ड कॉल का नंबर है वो आप लोगों ने बच्चों तक पहुंचाया और शेयर किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर मैं ये सोच रहा था कि क्या आप लोगों ने उसमें से सोचा कि आप लोगों के सीखने के लिए क्या है मिस्ड कॉल से? कोई बताना चाहेगा कि आप लोगों के लिए सीखने के लिए क्या है मिस्ड कॉल में? Anyone? सर हेलो जी। हाँ जी दिनेश। सर जो मिसकॉल वाला ऐप था तो उससे हमको ये लर्निंग हुआ है कि हम कहानी किस तरीके से सुनाते हैं। तो एक तो लर्निंग है उसमें कि जब हम कोई सुनाते हैं तो हमें हाव भाव उतार चढ़ाव उन विरामों का चिन्ह किस तरीके से हमारा मतलब बोलने का कहानी सुनाने का तरीका होता है। रीड अलाउड का एक्टिविटी करते हैं बच्चों के साथ लाइब्रेरी को लेकर, तो उसमें काफी हेल्प मिलता है हमें। बहुत बढ़िया। मैं बहुत सबसे मोटी चीज आपने कही दिनेश जी कि हम एज एजुकेटर्स हमारे लिए देखिए कहानी कहना एक कला होती है, राइट? हर कोई स्टोरी टेलर नहीं होता है। तो कहानी कैसे कही जा रही है, जैसे आपने कहा कि क्या उतार चढ़ाव है, कैसे किस चीज पे एम्फसाइज किया जा सकता है। हम उदाहरण के तौर पे जब क्लास में एक किताब लेते हैं 12 पेज की किताब को हम चाहें तो 2 मिनट में पढ़ के खत्म कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। मगर वही चीज अगर हम चाहें तो हम एक एक पेज पे खूब सारा समय लगा सकते हैं। हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, उनके चित्रों को डिस्कस कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं, उनको अपने बच्चों के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं वहां पे। और मैं समझता हूँ कि मिस्ड कॉल से जितना बच्चों का फायदा है उतना एजुकेटर्स का भी फायदा है, बिकॉज वो हमने जो कहानियां चुनी हैं और जो वहाँ वॉइस ओवर हैं वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स हैं, उनको ये कला आती है। क्या हमारे लिए वहाँ वो सीखने की अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि देखिए जब तक हम लोग एज एजुकेटर्स और जैसे हमारे टीम के साथी हैं, जब तक हम अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे, वी आर नॉट रेडी टू डिलीवर इन द क्लासरूम। हम उसे टिक बॉक्स करते रहेंगे क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, हमें जाना है, हम कर रहे हैं, मगर हम अपने में जब तक वो कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे तो वो बड़ा ये एक तरह से जस्टिस नहीं होगा बच्चों के लिए। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको, आज मैं उस दिन प्रीति को भी दिया था ये कि हम लोगों ने, मैं एक 10-15 साल पुरानी कहानी बताता हूँ आपको कि जब हम अपने एजुकेटर्स के साथ प्रथम में यूपी में काम कर रहे थे तो हमने कुछ 100 लोगों की एक 3 दिन की वर्कशॉप रखी थी अराउंड लाइब्रेरी और बच्चों में पढ़ने की रुचि को कैसे जागृत किया जाए। तो सबसे पहला सवाल जब हमने अपनी ऑडियंस से पूछा था, आज मैंने भी शुरुआत में मैंने इसीलिए पूछा, एक तो व्यस्त रहने के कारण और कितना पढ़ते हैं आप लोग खुद से, तो वहां पे भी हमने वर्कशॉप में यही पूछा कि बताइए आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी। आप मानेंगे नहीं कि 100 में से सिर्फ 2 हाथ खड़े हुए थे। तो अगर हम खुद से नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे? और अगर हम खुद अपनी जो कैपेसिटीज हैं उनको बेटर स्किल सेट्स को नहीं डेवलप करेंगे तो हाउ विल वी बी एबल टू डू जस्टिस इन आवर क्लासरूम्स? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जो 15 साल पुरानी कहानी थी, वो 3 दिन की जो वर्कशॉप थी, आप मानेंगे नहीं कि वो वर्कशॉप हुई नहीं, सिर्फ 300-400 किताबें लाके और 100 लोगों में बांट दी गई और वो रेजिडेंशियल वर्कशॉप थी। 4-3 दिन तक लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कहानियां पढ़ी बस, क्योंकि हमको पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना जरूरी है। तो मैं मोटे तौर पे जो मेरे सजेशंस थे और जो हम बताना चाह रहे थे अभी आपको यहाँ पे कि हम कैसे रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, वो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम चाहेंगे तो हम इसको और थोड़ा कभी डिटेल में निकाल के आप लोगों के साथ एक फुल टाइम का एक स्टोरी वीवर का रिसोर्सेस का वर्कशॉप कर सकते हैं। क्योंकि हम इस वक्त कल हम और विनीता जैसे बात कर रहे थे, हम बिहार सरकार के साथ मिलके आंगनवाड़ी को कुछ चीज देना चाह रहे हैं। वहाँ पे 1,00,000 से अधिक आंगनवाड़ी हैं, तो हम क्यूरेटेड कंटेंट, उनकी समस्याएं हैं, हम मदरसों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हम अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीडिंग सॉल्यूशंस को, लर्निंग सॉल्यूशंस को देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टीचर एजुकेटर में किस तरह की कैपेसिटीज बिल्ड कर पाए, और अगर कोई स्किल सेट हमारे में नहीं है तो हम वो कैसे उसको थर्ड पार्टी या आउटसोर्स करके हम उसको कैसे पहुंचाएं। तो मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, और आई थिंक ओवर टू यू प्रीति, एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस, और अगर लोगों के कोई और कोई सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं, तो विल बी दे मोस्ट वेलकम। आई थिंक मैं कुछ भी बोलने के पहले या इसको थोड़ा सा सम अप करने के पहले अगर कोई क्वेश्चंस है या कोई सुझाव है तो उसको ले लेते हैं एंड देन आई विल कंटिन्यू। क्या किसी का कोई भी सुझाव, कोई व्यू पॉइंट, कोई सवाल है तो हम दो सवाल ले सकते हैं। डोंट हैप्पीली एग्री विद मी। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बात कही है तो आप प्लीज बताएं। अगर मैं आपको पढ़ने के लिए पहले कह रहा हूं, बच्चों को पढ़ाने से पहले या क्लास में पहुंचने से पहले, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं सर, राहुल, ये परफेक्ट चीज है। किसी भी बंदे को क्लास में जाने से पहले खुद भी प्रिपेयर होना चाहिए, एंड डेफिनेटली उसको जो भी चीज क्लास में बतानी है, जो भी चीज उसको बतानी है, उसके कम से कम 2-3 तरीके उसको अपने पास लेके जाना चाहिए। बिकॉज वहां पे बहुत तरह के बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं, किसी को एक तरीका समझ नहीं आता है तो उसको दूसरे तरीके से बताना आना चाहिए, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। हर एक बच्चे का अलग लेवल है, हर एक बच्चे की अलग समझ है, हर एक बच्चा अलग चीज, अलग नजरिया रखता है। सो हो सकता है कि जब हम 2-3 तरीके से एक ही चीज को बताते हैं तो हम लगभग लगभग जितने बच्चे वहां पे हों, आई कांट से कि 100%, फिर भी, बट फिर भी 80-90% बच्चों को हम कनेक्ट कर पाते हैं। एंड थोड़ा टाइम पीछे कम्युनिकेशन की जो बात हो रही थी, शायद वही जरूरी है। बिकॉज लैंग्वेज, आई डोंट नो, मतलब ममता कह रही थी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में जो बता रहे थे, बट मेरे को लगता है कभी कभी लैंग्वेज होने के बावजूद भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मेरा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ऐसा है कि मैं कुछ बोलूं एंड सामने वाले को उसी सेंस में वो चीज समझ आए, देन आई फील कि वो कम्युनिकेशन हुआ है। जब मेरे को कोई बोलता है कि आप ये सामने एनवेलप रखा हुआ है, इसको उठा दीजिए, सो देन आई फील, तो मैं उसको उठा के देता हूँ, तो आई फील कि वो कम्युनिकेशन हुआ। एंड अगर वो मेरे से बोलता है कि वो सामने एनवेलप रखा हुआ है, उसको उठा दीजिए, सो आई वुड हैव पिक्ड समथिंग एल्स। So, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन हुआ, बट वो चीज मेरे पास तक कम्युनिकेट नहीं हुई है। that's a valid point. So, इसी तरह टीचर जो कोई भी बंदा जो क्लास में जाता है, किसी सेशन में जाता है, किसी भी जगह पे जा रहा है, जब तक उसकी बताई बातें उसी के सेंस में सामने वाले तक नहीं पहुंचती है, तब तक आई डोंट फील कि देयर इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन व्हिच वी शुड वर्क अपॉन। डेफिनेटली सी, देखिए ये हमारी फ्रेटर्निटी के लिए नहीं है, ये यू नो, खेल में जीतने के लिए आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गाना आपको डिलीवर करने के लिए फाइनल स्टेज पे और स्टूडियो में उससे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट यू नो सेल्फ प्रैक्टिसिंग, मेकिंग योर सेल्फ रेडी। यू डोंट इन्वाइट एनीवन होम बिफोर यू हैव डन अप योर होम, राइट? So, आप ऐसा नहीं कहते कि, तो आप हर चीज के लिए तैयारी लगती है। और मुझे जो लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने जो हमें देना है या हमें जो डिलीवर करना है, हमारी जो ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, वो हम नहीं करते हैं, वो हम कर रहे हैं। बट व्हाट इज दैट नेक्स्ट लेवल, व्हाट इज दैट आई शुड बी डूइंग डिफरेंट, व्हाट इज दैट आई रियली डोंट नो एंड आई शुड नो, व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू मेक माई चिल्ड्रन हैप्पी अबाउट। So I think all these things, the answer lies with you all. It's not with the, you know, मैंने बहुत सारे उदाहरण उस दिन प्रीति को दिए थे। मैंने कहा था कि मेरी दादी जो थी वो बहुत जबरदस्त स्टोरी टेलर थी, मगर मेरी माँ जो थी वो बहुत ही खराब स्टोरी टेलर थी। तो मुझे मेरी दादी की कहानियां आज तक याद है, और मेरे मेरी माँ की एक भी कहानी याद है। तो यू नो, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी डिलीवर, हाउ रेडी वी आर, how much of a preparation do we do,
और जैसा आपने कहा हम लोग तो कंटेंट में काम करते हैं, तो कंटेंट में विनीता ने दिखाया नहीं क्योंकि समय कम था, मगर ऐसी किताबें हैं हमारे पास जो वर्डलेस हैं. कैन वी रियली यूज थिंग्स लाइक टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, हाउ डू यू अदरवाइज एक्सपैंड द होराइजन ऑफ द चाइल्ड, हाउ डू यू एक्सपैंड योर ओन होराइजंस, सो देयर आर यू नो विजुअल्स स्पीक ऑन देयर ओन. और हमारी किताबें तो फोर कलर की हैं और आप देखते हैं अगर हम उसमें से सारा टेक्स्ट हटा दें तो आप समझिए कि एक कम्युनिटी की जो पावर होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. हम लोग एक कॉन्टेस्ट करते हैं साल भर में एक बार अप्रैल में जिसे रीटेल रीमिक्स बोलते हैं. हम एक अपनी रेडी किताब को उसमें से टेक्स्ट हटा के और कम्युनिटी को ऑनलाइन दे देते हैं कि आप इसकी कहानी लिखिए, ये चित्र है सिर्फ. आप मानेंगे नहीं एक समय ऐसा था कि हमारे को 400 नई कहानियां मिली उन्हीं चित्रों को लेके जिसमें की किताब छप चुकी है और हजारों कॉपी बिक भी चुकी है, और उन 400 में से 50 कहानियां ऐसी थी जो दोबारा से उन्हीं चित्रों से लिखी जा सकती थी. सो दैट्स द पावर ऑफ यू पीपल. बट प्रोवाइडेड यू एक्सप्लोर एंड यू नो इंक्रीज एंड कंटिन्यूसली कीप ऑन इंक्रीजिंग योर पोटेंशियल्स. या एनीवन एल्स? हेलो जी सर, तो बहुत सही सर आपने बताया कि आपके पहले कितना तैयारी है किसी को पढ़ाने या किसी को बताने से पहले. तो हम लोग के पास एक लेसन प्लान होता है टीचर का जी. तो हम अगर सेंटर जाते हैं तो देखते हैं टॉपिक क्या है और इसको पढ़ाओगे क्या, एक कॉलम करके दिया हुआ है विवरण, विवरण में लिखा होता है कि उस टॉपिक को आप कैसे कवर करोगे. तो लगभग मैं साल भर से उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है और उसका असर अब दिखता है क्लास में. अगर हम बैठते हैं कि टीचर जब पढ़ा रही है तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ क्या इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट एरिया है. तो जब विवरण आप देखते हो कि उनका तैयारी कैसे वो पढ़ाएगी, वो अगर लिखती है 3-4 लाइन में एक टॉपिक से संबंधित, तो उनको बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है कि मेरा 30 मिनट का क्लास कैसे जाने वाला है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या. तो बहुत अच्छा आपने व्यू पॉइंट हम लोग को और एक तरह से रिवीजन भी आपने करवाया सर. दूसरा जो हमें इस सेशन में लगा कि आपने एक स्टोरी वीवर जो साइट के बारे में बताया उससे अब हम लोग को भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि प्रथम बुक पहले हार्ड कॉपी मेरे पास थे नहीं, तो अब हार्ड कॉपी के रूप में एक दो स्टोरी यहाँ से हम लोग भी पढ़ के जा सकते हैं जी, जिससे कि हम उसपे जब टीचर से भी डिस्कशन करें, बच्चे से भी डिस्कशन करें, तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा. तीसरा एक जो क्वेश्चन हम जो फील्ड में फेस कर रहे हैं सर कि नॉन रीडर को रीडर में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहा है टीचर के लिए, और मैं भी वहां बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ. तो क्या इसके लिए कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि कहाँ से हम ये सीख पाए या कुछ मटेरियल है जिसको पढ़ के हम जान पाए? तो सिखाना छोड़ दीजिए, एंजॉय करना सीखिए. एक्चुअली क्या है कि हमारे जो फितरत है ना वो हम हर चीज को बताना चाहते हैं हर चीज का. तो मुझे लगता है किसी भी बच्चे में एक पढ़ने की रुचि को जागृत करने के लिए आपको पहले उसको टटोलना पड़ता है, आपको उसको पहले उसके इंटरेस्ट जानने पड़ते हैं, उसके यू नो क्या चीज है जो उन्हें एक्साइट करेगी. देखिए ऐसा होता है कि क्लासरूम में कभी भी जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, कभी कभी क्या होता है कि छोटा भीम या पोकेमोन या हैरी पॉटर जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को, राइट. मैं खुद से नहीं पढ़ता था बहुत ज्यादा, मगर मैं नहीं पढ़ता था उसका कारण ये था मैं जो पढ़ता था वो मैं पढ़ता था नॉन फिक्शन ज्यादा, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट फास्टेस्ट दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है. मैं आप मेरे को दे दीजिए 100-200 पेज का नॉवल, मैं नहीं पढ़ूंगा. तो बच्चों को सबसे पहले अगर एक नॉन रीडर को रीडर में आपने कन्वर्ट करना है, आई थिंक यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट एरियाज. उनके इंटरेस्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करके फिर उनको जो आपने डिलीवर करना है, और सिखाने के मकसद से तो बिल्कुल भी ना जाए. अगर आप सिखाने लगेंगे तो बच्चा सीख जाएगा. और यू नो हमें सिखाना नहीं है, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, हमारे को उनका एंगेजमेंट लेवल बढ़ाना है. एक जैसे और उदाहरण देता हूँ कि जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, मैंने छोटा भीम बोला कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि बच्चा टीवी में लगा रहता है, तो क्या हम उसको छोटा भीम की किताब दे सकते हैं?
क्या हम उसको धीरे धीरे किताबों पे शिफ्ट कर सकते हैं? किताबों पे शिफ्ट करना बहुत जरूरी भी है, और बच्चों को एक समय के बाद ये बताना कि क्या सही है पढ़ना और क्या नहीं सही है पढ़ना, ये भी बहुत जरूरी है। और एक क्लास में जैसे कि काफी किसी ने साथी ने बोला कि ऐसा होता है, एक क्लास में एविड रीडर्स होते हैं, बहुत पढ़े हैं, एकदम आप दे दीजिए फराटे से पढ़ लेंगे सारा कुछ। एक क्लास में स्ट्रगलिंग रीडर्स भी होते हैं, ठीक है, तो जो स्ट्रगलिंग रीडर्स होते हैं वो आपको हमेशा हमारे जैसे, जैसे मैं भी था, पीछे बैठे मिल जाते हैं, राइट, बैक बेंचर्स जिन्हें हम बोलते हैं। और जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, तो हमारे क्लास रूम में जो डिलीवरी है हमको उसका एक जो है ना तरीका बनाना चाहिए कि जिसमें हम हर किस्म के बच्चे तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगलिंग रीडर्स क्लासरूम में ऐसे होते हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्लासरूम में अगर देखिए, जितना जैसे हम बात करें ना प्रैक्टिस की, आपको हमने बता दिया स्टोरी वीवर, स्टोरी वीवर में 20,000 कहानियां 200 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उनको पढ़ भी सकते हैं, आप उनको तैयार करके क्लासरूम में भी डिलीवर कर सकते हैं, आप उसमें से 4 कहानी बच्चों को आगे मजे के लिए पढ़ के आने के लिए भी बोल सकते हैं, आप बच्चों को बोल सकते हैं इसकी आके आप स्किट भी तैयार कर दीजिए, आप इसको घर में माँ बाप के साथ भी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सिखाने के पीछे पड़ जाते हैं, कठिन शब्दों के पीछे पड़ जाते हैं, हमें कठिन शब्दों में सिखाने में नहीं करना है, हमें मजे में करना है। क्योंकि जब तक आप अपनी क्लास को रोचक नहीं बनाएंगे, एक्साइटिंग नहीं बनाएंगे, एंगेजिंग नहीं बनाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। आप इस पे कितनी किताबें पढ़ लीजिए, व्हाट डू आई डू व्हेन माय चिल्ड्रन डोंट गेट अलोंग, व्हाट डू आई डू व्हेन माय चिल्ड्रन वोंट डू एज आई से, ये बहुत सारे ऐसे टाइटल्स और ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि इससे पेरेंट्स बहुत परेशान है, सुनता नहीं है बच्चा, करता नहीं है, मेरी मानता नहीं है, हमेशा ये करता रहता है। हम हमेशा सिखाने के पीछे पड़े रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ये मेरा मैसेज रहेगा इसके लिए। सर थैंक यू राहुल, एक क्वेश्चन था सर। जी हाँ जी सर, जैसे अभी आप रीडिंग हैबिट की हम बात कर रहे हैं, जी हेलो, हाँ तो सर मैं उसमें कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास जो भी स्टोरी बुक होती है तो जो उसका मुख्य पृष्ठ है वो उसमें मतलब कितनी ज्यादा अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर वो उसमें भूमिका निभाता है तो हम जैसे कहीं हमारे पास बुक्स होती है या बच्चा जो भी बुक्स नहीं खरीद के लेकर आता है या कोई स्टोरी बुक लेकर आता है तो घर वाले या फिर मतलब स्कूल के टीचर्स या हम लोग खुद उसको ऐसा कहते हैं कि इसको कवर अप कर दो, मतलब उस पर कवर चढ़ा दो, तो जो उसका मुख्य पृष्ठ है उसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं बच्चों के सामने नहीं आ पाता है। क्योंकि जब हम रीडिंग हैबिट की बात करें तो क्या कहीं ना कहीं ये मुख्य पृष्ठ जो है इसका कवर पृष्ठ है जो हमारी स्टोरी बुक का, वो उसको फायदा देता है बच्चे को, मतलब इसको थोड़ा सा एक बार क्यों नहीं देता है? अब आपने बोला हम उसे फ्रंट कवर कहते हैं, मुख्य पृष्ठ की जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप कभी किताबों की दुकान में जाते हैं तो क्या आप देखते हैं कि आपको आप किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? हाँ सर, उसका मुख्य पृष्ठ होते हैं ना, अगर आप होते हैं तो आपको क्यों लगता है कि बच्चा नहीं होगा? और किताबें खराब होंगी, किताबें फटेंगी, किताबें वो ये उससे बेहतर स्थिति है जो हमारे देश की स्थिति है इस वक्त। हमारे देश में तकरीबन 13 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं और 13 लाख से अधिक आंगनवाड़ियां हैं, आप मान के चलिए उसमें से 90% में जो लाइब्रेरीज हैं और जो किताबें हैं वो लॉक इन की में रहती हैं और वो इतनी संभाल के रखी जाती हैं, इतने उन पे कवर चढ़ाए जाते हैं कि वो बेचारी उनकी पढ़ने की नौबत नहीं आती है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि किताब की रखरखाव जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर इतना ध्यान ना दिया जाए कि किताब का हर एक एलिमेंट इतना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप कवर कह रहे हैं, जैसे कि आप उसमें जो लेखक है उसमें जो चित्र दिए गए हैं, एक एक चित्र पे मैंने ऐसे ऐसे क्लासरूम्स अटेंड किए हैं जिसमें कि एक 8 पेज की किताब को 1 घंटे तक डिस्कस किया गया है क्लासरूम में बच्चों के साथ, एक एक से पूछा गया, एक एक से बात की गई, उनके विचार लिए गए, उनको क्या दिख रहा है, उनको कैसा समझ में आ रहा है। तो जितना आप एंगेज करना चाहेंगे उतना आप कर सकेंगे। हम इसके लिए आप लोगों के साथ बच्चों के लिए भी हमने करी, मगर
हम जैसे जो सजेस्ट आपको आज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप अपनी तैयारी बढ़ाइए, बच्चों की तैयारी की चिंता नहीं कीजिए ज्यादा, आप अपनी तैयारी कीजिए, बच्चे तो कर ही लेंगे। मेरे उदाहरण बताने के ये थे कि कम्युनिटी में बच्चों पे हम लोग भरोसा ज्यादा नहीं करते, हमें हमें लगता है कि हम बड़े हैं तो हम बताएंगे। कभी हमने बच्चे से जाके पूछा है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, वो क्या करना चाहता है? हम ये बोलते हैं मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने किया है, मेरे ग्रे हेयर हैं, मेरे सफेद बाल हैं, मैंने तो 25 साल यही कर रहा हूँ, आप भी यही करो। अरे उससे तो पूछो वो क्या चाहता है, राइट? सो आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो हर एक चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है सर। और मेन कवर तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, हम दुकान में जाते हैं आधी से ज्यादा हमारी जैसी किताबें हम उनको उनको फेस ऑन डिस्प्ले हम बोलते हैं वो मिलता ही नहीं है, तो वो किताबें दबी रह जाती हैं, कोई देख ही नहीं पाता है। अंग्रेजी में हम जैसे बोले ना, तो किताबें जो होती हैं या तो फेस ऑन डिस्प्ले होती हैं या स्पाइन वाइज स्टैकिंग होती है, राइट? तो किताब हमारी किताब में तो कमर ही नहीं है, आपने देखी होंगी हमारी किताबें कितनी पतली हैं, वो बेचारी कमर के बगैर है, तो वो भी इकट्ठे करके रख देते हैं, तो वो बच्चा देख ही नहीं पाता है, और देखेगा नहीं तो लेगा क्या। जी और किसी के सवाल? I think very beautifully mentioned sir, बड़ा अच्छे से आपने बताया। किसी का कोई सवाल है या मैं कुछ बोल सकती हूँ? आई थिंक इस पूरे और ओवरऑल जो आज हमने डिस्कशन किया सर, मैं उसको थोड़ा सा सारांश का एक समरी टाइप की बताना चाहूंगी कि मुझे क्या लगा। एंड हमारी काफी डिस्कशंस हुए हैं यू नो इस प्लेटफॉर्म के पहले भी, और प्रथम के साथ हम ऑलरेडी काफी काम कर भी रहे हैं, हमारी पारी है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझनी है एज अ टीम कि वी आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन गोल्ड माइन ऑफ रिसोर्सेस, और हर लेवल पे हर चीज के लिए हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो सर ने भी आज शेयर किए, हिमांशु सर ने भी, और हमने एज अ रीडिंग मटीरियल ये लिंक्स अपनी टीम को पहले भी दिए थे। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बार बार सभी रिहाइट्रेट कर रहे हैं और हमें करनी पड़ेगी इज द फैक्ट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट लर्निंग टू लर्न इज द की फॉर एवरीथिंग। सबसे पहले हम यू नो टीचर्स पे जाने के लिए या बच्चों के जाने से भी पहले हम खुद के लिए सोचे कि हमें खुद कैसे सीखना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, खुद कैसे लर्न करना है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि हमें एंजॉय करते हुए करना है। यू नो हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमें भी आगे पढ़ाना है, पहले तो हम खुद उस चीज को एंजॉय करना सीखें, तभी हम शायद उसको आगे ले जा सकेंगे। हिमांशु सर, जैसे आपने आज बहुत सारी, विनीता ने जो भी चीजें शेयर की है, शायद कुछ चीजें हमारे लिए डेफिनेटली न्यू थी, स्पेशली रीलेवलिंग। रीलेवलिंग वॉज समथिंग जो इवन आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, शायद हमने वेबसाइट को इतने अच्छे से ब्राउज नहीं किया था, तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटिफुल चीज है। बाकी बाकी चीजों का तो स्टिल यू नो वी नो इट, वी प्रैक्टिस इट। आई थिंक गोइंग अहेड हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड वो हम एज एन इम्पैक्ट टीम विथ यू नो विथ गाइडेंस ऑफ हिमांशु सर एंड विनीता, एंड वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें आगे क्या करना है। तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे चलते हुए, क्योंकि रिसोर्सेज तो अब हमने देख ली है। क्या हमें क्लियर कट एक मॉड्यूल चाहिए या क्लियर कट वन पेजर गाइडेंस चाहिए कि हम ये करेंगे, या हम खुद ओनरशिप लेके कुछ करना चाहते हैं और उस पर दोबारा से मिलके प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना चाहते हैं कि मैंने ये इनिशिएटिव लिया और मैंने इस चीज को स्टोरी वीवर को देखा और उसमें से ये सीखा, या मैंने कहानी को सुनकर कहानी बताने की टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस किया, या तो हम वैसे कर सकते हैं, या और भी किसी के पास सजेशन हो तो वो भी ले सकते हैं। तो आई थिंक गोइंग अहेड वी शुड बी वेरी क्लियर कि हम एग्जैक्टली क्या चीज और कैसे करना चाहते हैं, ताकि वी गेट बैक टू यू हिमांशु सर एंड अगेन योर गाइडेंस ऑन दैट, बिकॉज़ ये वन टाइम यू नो वो नहीं है कि एक बार हमने डिस्कशन कर लिया और वो हो गया, इसको वी विल हैव टू टेक अहेड टिल द टाइम द टीम इज कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट्स एंजॉयिंग रीडिंग एंड इज कंफर्टेबल विद इट। जी नहीं, मैं आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री विद यू, एंड यू नो व्हाट हैपेंस आल्सो इज दैट कि हम लोग इतना सिखाने में
इतना जो जो हमारे को एक स्ट्रक्चर्ड वो चीज मिलती है उसमें हम कहीं जो आनंद है जो एंजॉयमेंट है वो खो देते हैं. और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुद से आना चाहिए, हमें खुद से करनी चाहिए. इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन यू एंड यू हैव ऑल ऑफ अस हैव टू हैव अ ड्रीम, हैव टू हैव अ टारगेट. यू नो अनलेस यू हैव अ ड्रीम, अनलेस यू हैव अ टारगेट फॉर योरसेल्फ, you won't be able to do it. हम सिर्फ एक टिक बॉक्सिंग एक्टिविटी ना करें, हम कहें कि मैं 3 महीने में अपना ये कॉम्पिटेंसी लेवल को तोड़ मरोड़ के रिसोर्सेज से स्टोरी वीवर से प्रीति मैडम के पीछे पड़ जाऊंगा, इसके पीछे पड़ जाऊंगा, मैं करके ही रहूंगा. यू नो आई थिंक वो हम लोगों में कहीं प्रण लेने की जरूरत है और उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना कि क्या मैं सही हूँ. अब आप लोगों ने जब ट्रेनिंग्स अटेंड करी होंगी लाइब्रेरीज वाली तो आपने देखा होगा कि मॉक ड्रिल्स भी होते हैं, राइट? तो आप देखते हैं कि आप यू नो अब आप डिलीवर कीजिए क्लास में आप कैसे करते हैं. तो हम उस चीज को भी सिर्फ वो ट्रेनिंग ली और जैसे प्रीति बोल रही है कि क्या होता है कि इन सब चीजों को ऐसा नहीं है कि हमें आपको बताने की जरूरत, हम सब सामर्थ्य हैं, हम सब समझदार हैं, हम सबको मालूम है. आई थिंक ये एक होता है कि बॉस डंडा मारता है, एक होता है कि यू नो, तो आई थिंक ये आपको सेल्फ हैमरिंग करनी पड़ेगी. खुद से मारिए अपने सर पे हथौड़ा और निकालिए कि क्या क्या मामला ऊपर गड़बड़ है और कहाँ कहाँ हमको सुधारने की जरूरत है. बिकॉज अनलेस यू आइडेंटिफाई योर ओन गैप्स the connectivity, the delivery, you know, nothing will improve unless you make an effort. बिल्कुल हिमांशु सर, in fact, you know, without in fact asking my core team, मैं तो इतना भी बोल सक आपको you know, टीम को विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर आप अपनी potential को देखते हुए और अपने gaps को अगर identify करके हमें बताते हैं, हम हिमांशु सर की हेल्प से, प्रथम टीम की हेल्प से आपको एक कस्टमाइज्ड यू नो गाइडिंग प्लान भी दे देंगे कि आप अगर आपको ये पर्टिकुलर इशू आ रहा है तो आप फर्स्ट स्टेप पे किस रिसोर्स पे जाकर आप करो. पर करना हमें खुद को है, यू नो, उसके लिए अगर आप बोलो कि मोटिवेशन और पुशिंग, यू नो, एट दिस लेवल आई थिंक वी ऑल शुड टेक दैट ओनरशिप की करना हमें खुद को ही है. डेफिनेटली. Yeah, so one thing I would like to suggest while we, हालांकि अभी आपने हमें consolidate form में gap areas दिए थे, but maybe as next steps, my recommendation would be to have, you know, specific gap areas by people as, you know, and they can list that and then you can bucket them into 5-6 categories so that, you know, we could do the next level of, you know, identifying the kind of resources or measures you and will have to take either with our support or from someone else or through a third party or through an app or, you know, any other capacity building mechanism. So I think my suggestion would be to get on to people by people, get the gap areas, bucket them, and then let's go back to the table to find solutions for filling those gaps. Right, sir. I think I agree. This is a great idea. Only then we will be able to reach where we want to reach. Yeah, because generic to sab bata rahe hain ki mujhe ye samasya hai, mujhe ye samasya hai. Aap apni 5 samasyaen bataiye sabse badi. Aur un 5 samasyaon ko 5 logon ki samasyaon ko gather karke bucket kare. Aur aise karke agar hum inko 5-6-7 cheezon mein baant dein. Because as I see, we are wide variety of people. Someone has no issues. Someone has too many issues. Someone has lesser issues. So there may be situations. Maybe the people who are better equipped and can handle, can look at different kinds of skill sets to be improved. Bilkul. I think it was a great session. आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी हिमांशु सर को, विनीता को. मैं आई कैन जस्ट से दैट यू नो वी आर रियली ग्रेटफुल, बहुत आभारी हैं. थैंक यू इसलिए नहीं बोल रहे हैं बिकॉज दिस यू नो वी सी दिस एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ यू नो द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और द ब्रॉड विजन दैट वी हैव दैट वी शेयर्ड विद यू, व्हिच आई एंड शुभांगी शेयर्ड विद यू सम डेज बैक. राइट. बहुत आभारी हैं, ग्रेटफुल है, पर थैंक यू इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में होगा.
नहीं, we are committed. Don't worry. I think we'll always be there by your side. It's just that you know, we also enjoy, and I think as content creators, we don't get to listen to people who do these deliveries on ground. So it's important. It's in my interest. ये मेरा target area है कि मुझे जानना है कि आप लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्योंकि मैं तो अच्छी किताबें बनाने में हम busy हैं. मगर ये अच्छी किताबें बन तो रही हैं, मगर जब deliver करने वाला ही नहीं कर पा रहा, तो वो भी तो मेरी problem है. बिल्कुल बिल्कुल राइट सर. आई थिंक हैंड इट ओवर टू शुभांगी मैम एंड संदीप सर इफ दे वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर. श्योर. ठीक है. आई विल जस्ट चेक वंस इन द मीनवाइल इफ एनीबॉडी एल्स वांट टू से समथिंग. You just have 2 minutes to say, please. I think everyone seems to be satisfied with the suggestions. I'm assuming so. Yes, you know, I'm sure. Can we all unmute once and, you know, either because we can't do a thumbs up, which we generally do in our trainings. And if you all are okay with it, we can just say a loud yes to Himanshu sir. And then we can, you know, for today at least and take it ahead later. So, do you all agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 yes. Absolutely. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I look forward to getting more ideas. Ye sab hamare andar hain. I think we have to find solutions for ourselves. We are just one of the enablers to make it happen. And I think I have a big belief in all of you, and you should have a larger belief in yourself. And I think we will be able to, you know, overcome all the small gaps and areas we've identified going forward. Absolutely. We can all switch on the video once and, you know, we will just try and take a group picture. Oh, is that? All right. Yeah. If we all can switch on the video once, it will be nice. Sure. Great, good to see everyone after, you know, such a long time. I know. I would request Ashima, the host, to just click some pictures, you know, if you can just take the screenshot. You know, yesterday I was doing a webinar session with Maharashtra government, and to my surprise, there were 3,250 people attending it. These were all the block resource persons, district resource persons. UNICEF actually did that. Okay. And it was amazing to see the enthusiasm and response of the people. And matlab 3,500 sarkari logo ko ikhatta karna maine rakhta hai. Bilkul. And wo bhi e-platform pe. I know. And, you know, understanding and everyone participating, contributing, chat chal raha hai, sab pura full energy tha. And I see a lot of energy in this team as well. Yes, sir. We have a great team, no doubt about it. Yeah. So, TK, I think thank you, everyone. Thank you once again. Yes, ma'am. We will all meet soon on the same platform. Sure. Thank you. Thank you, everyone. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And thank you enjoyed. Bye-bye. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, guys, thank you so much once again. You know, I'm sure we all have lots to do. So we can all get back to our work. And for anything, we are here. Next session is coming soon for all of you. So we will keep you updated and posted about it. Okay, ma'am. Thank you. Okay, bye. Okay, bye. Bye.